न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। ग्वालियर में 9 साल से फरार चार पहिया वाहन चोर व डकैती के आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने मैनपुरी से दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी पर 3,000 रुपए का इनामी बदमाश है। खास बात यह है कि पकड़े गए आरोपी अपने घर 9 साल बाद आए थे, 10 स्थायी वारंट में थे फरार। एएसपी क्राइम राजेश डंडोतियन ने बताया है कि सूचना मिली थी कि 9 साल पहले चोरी के मामले में फरार आरोपी अपने घर मैनपुरी में दौज मनाने आने वाले हैं। सूचना पर डीएसपी क्राइम ऋषिकेश मीना, रत्नेन्द्र सिंह तोमर, टीआई क्राइम दामोदर गुप्ता को आरोपी को दबोचने के लिए निर्देश दिए, जिस पर एक पुलिस की टीम बनाकर आरोपी को दबोचने के लिए टास्क दिया। टास्क मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम हिंदपुरम कॉलोनी थाना कोतवाली निवासी पंकज पुत्र महावीर धानु के घर पहुंची तो आरोपी अपने भाई राजन उर्फ राजेंद्र के साथ मिला। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो पता चला कि एक ही अपराध में दोनों भाई आरोपी है और पिछले काफ़ी समय से दिल्ली में टैक्सी चला रहे थे। उनका मानना था कि 9 साल बाद बीतने पर पुलिस उनके घर नहीं पहुंची तो अब क्या आएगी, लेकिन पहली बार आते ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया है। पुलिस जब आरोपियों को लेकर ग्वालियर के लिए निकलने वाली थी कि तभी पंकज के मोबाइल पर एक कॉल आया तो पता चला कि कॉल करने वाला 3,000 रुपये का इनामी साकिर खान है। उस पर लूट व डकैती के कई मामले दर्ज है। आरोपी की जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह भी मैनपुरी में ही है। इसका पता चलते ही पुलिस ने उसकी तलाश में दबिश दी और उसे भी दबोच लिया। पकड़े गए इनामी के बारे में पता चला है कि वह कंपनी का कंटेनर चलाता है और कुछ समय पूर्व पुलिस यहां पर दबिश देने आई थी, तब वह यहां पर नहीं था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर उसके अन्य साथियों का पता लगा रही है। एडिशनल एसपी राजेश डंडोतिया ने बताया है कि 9 साल से फरार तीन आरोपी क्राइम ब्रांच ने मैनपुरी से पकड़े हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक 3,000 रुपए का इनामी भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कल रात में क्राइम ब्रांच के द्वारा कार्रवाई करते हुए मैनपुरी से तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक व्यक्ति पर 3,000 का इनाम है और ये इन पर एक व्यक्ति पर दो व्यक्तियों पर तीन तीन स्थायी वारंट है, एक पर 4 स्थायी वारंट है। कुल 10 स्थायी वारंट इन तीन आरोपियों के खिलाफ थे, जो कि आज माननीय न्यायालय में कोर्ट में पेश किया जाकर 10 स्थायी वारंटों की तामील कराई जा रही है।